बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो फ्रेंड व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को ठीक रखे, आप खुश रहें, ताकि खुशियाँ बांटते रहें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेबल्स के बारे में, कि डाटा को टेबल में कन्वर्ट कैसे करना है। डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आज आपको बताऊँगा। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए, और कमेंट्स और लाइक लाजमी कर दिया करें। आज हम आपको बताएंगे कि डाटा को टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लिखेंगे, पहले हम कुछ भी वैल्यूज़ को लिखते हैं, और लिखने के बाद सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं इसको। लास्ट लेक्चर जो मेरा हुआ था, सेटल लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको पिक्चर से टूल पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में। बस टेबल के बाद हम सेलेक्ट करते हैं इस डाटा को, इसको टेबल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सेलेक्ट करते हैं डाटा को। अगर आपने हाफ लेटर्स में टेबल देना हो तो हाफ को सेलेक्ट करेंगे, अगर एक लाइन को सेलेक्ट करना हो तो एक लाइन टेबल दे सकते हैं, कम्प्लीट को सेलेक्ट करेंगे तो कम्प्लीट टेबल आ जाएगा। आप सेलेक्ट कर लिए, आप जाएंगे इंसर्ट में, टेबल पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे ओके, तो टेबल शो हो जाएगा आपके पास। आपका डाटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, इसे टेबल कहा जाता है। इसमें इंसर्ट में टेबल्स के नाम से मौजूद है, टेबल्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, और कंट्रोल टी शॉर्ट कीजिए इसकी, इसे सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है जी, क्या करेंगे आप, डाटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे टेबल्स और आप करेंगे ओके, टेबल शो हो जाएगा। आप टेबल कलर के चेंज करने हो तो टेबल से कलर यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे ओपन करें आप, कलर्स को कोई भी कलर स्कीम आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको टेबल समझ लगे वही कलर स्कीम आप इस पर अप्लाई कर दें। टेबल कलर और भी हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सारे टेबल्स के डिज़ाइन हैं, स्टाइल्स हैं, आप कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर देंगे तो वो टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे, कि क्या होता है टेबल्स में। टेबल का मतलब ये होता है कि पहला ऑप्शन होता है हिडन रो का, तो आप फर्स्ट रो आप हिडन हो जाएगी, फर्स्ट रो टेबल्स की होती है ये वाली, इसको आप करेंगे हिडन कर देंगे तो ये हिडन हो जाएगी। आप देखिए फर्स्ट रो आपकी हिडन हो गई है, यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और टेबल भी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, चाहे तो इस डाटा को आप डिलीट कर दें, सेट टेबल ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है जी, कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं हिडन रो से, क्या होता है डिज़ाइन टेबल टू डिज़ाइन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप, हिडन रो करेंगे हिडन हो जाएगी, वापस आने वापस ला सकते हैं। टोटल रो, एक आपकी रो का आपने इसका आंसर चेक करना है, कि जो डाटा लिखा हुआ है इससे कितनी क्या रकम बनती है, इसे आपने इसका आंसर निकालना है, इसे सम करना है। तो आप इसके लिए आसान तरीका यही है कि आप टोटल रो पे क्लिक कर देंगे, एक रो टोटल कर देंगे कि रो के पैसे बनते हैं 2280, मतलब 2280 रुपीज़ आपके टोटल बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शो हो रहे हैं एक रो के, तो तमाम लोग सेम ही आएंगे, वैल्यू सेम है, तमाम के सेम ही जवाब आएगा। ठीक है जी, ख़त्म करना हो इसे ख़त्म कर दें आप। वरना ब्रांडेड रो में कलर जो देखें, इसके अंदर कलर आ रहे हैं सबके अंदर, अगर आप ब्रांडेड रो करेंगे कलर ख़त्म हो जाएंगे आपके, देखें बिल्कुल सिंपल ब्लू कलर आ गया, बाकी सब कलर डार्क कलर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप ब्रांडेड कॉलम करेंगे तो कॉलम में कलर ख़त्म हो जाएंगे, रो करेंगे तो रो में ख़त्म हो जाएगी, ब्रांडेड कॉलम ब्रांडेड रो। फर्स्ट कॉलम करेंगे, फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, देखें फर्स्ट कॉलम में कलर की स्कीम ख़त्म हो गई है, वो सिंपल हो गया और बोल्ड हो गया। अगर आप लास्ट कॉलम करेंगे तो लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट लास्ट कॉलम में चले जाएंगे, लास्ट कॉलम भी आपका बोल्ड हो जाएगा, कलर स्कीम उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी,
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसे ओपन करते हैं। अगर आप चाहते हैं ये डाटा लिखा हुआ है, ये मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, कुछ डाटा चाहिए, तमाम डाटा नहीं चाहिए, तो उसका तरीका ये होता है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँगा आपको। उससे पहले अगर आप चाहते हैं ये जो वैल्यूज़ है, ये है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटी वाली ऊपर लिखी हुई है और बड़ी वाली सारी नीचे आई हुई है। ये हम चाहते हैं ये बड़ी वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू सारी ये ऊपर आ जाए और छोटी वाली वैल्यू नीचे आ जाए। तो कोई भी बटन ये देखिए, अभी वन कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स हैं। कोई भी एक कॉलम ओपन करेंगे आप, या फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब वो कहते हैं छोटे से बड़ा। अभी क्या है, अभी छोटे से बड़ा ही है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही है। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमने करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर देंगे, बड़ी वाले ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे आ जाएगी। वापस जाना चाहते हैं, इसे ओपन करेंगे, इस सेल्स को किसी भी एक सेल को ओपन कर लें, इसे हम कर दें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, तो वापस छोटी वाले ऊपर बड़ी नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि मुझे जो है कुछ रोज चाहिए, बाकी रोज नहीं चाहिए, तो ओपन करें, ये लिखा हुआ नीचे आ जाए सिलेक्ट ऑल, उस पर क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल पे तमाम रो के क्लिक ख़त्म हो जाएंगे। और जब क्लिक का निशान ख़त्म हो गया, तो आप किसी भी रो पे क्लिक करेंगे 180 पे, तो 180 ही शो होगी, बाकी शो नहीं होंगी। सेवेंटी टू, टू ट्वेंटी टू, थर्टी टू, टू ज़ीरो सिक्स, ट्वेंटी फोर। अब जिस रो पे आप क्लिक करते हैं, वही रो आपके आपके सामने शो होती है, बाकी रोज आपके सामने शो नहीं होती। ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगे, अगर आप जो रो चाहिए उसी रो पे सेलेक्ट आल करें, ख़त्म हो कर दें। आप जैसे मुझे सिर्फ दो रो चाहिए, कौन कौन सी, 96 वाली और 228 वाली, आप सेलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे, तमाम रोज आपकी वापस आ जाएंगे। अब आप का डाटा टेबल आपके सामने वापस आ चुका है, इसे देख सकते हैं आप। इसके बाद आपके चाहते हैं कि कुछ हिस्से में टेबल चाहिए, बाकी हिस्से में टेबल नहीं चाहिए, तो उसके तरीके मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जितना टेबल आपको चाहिए उतना सिलेक्ट टेबल ले सकते हैं। अगर आप टेबल ले चुके हैं और आप चाहते हैं कि बाकी सब टेबल ना आए, मुझे इतने हिस्से में चाहिए टेबल, तो उसका तरीका ये होता है कि जिस मिसाल तौर पर आप चाहते हैं मुझे इतना हिस्से में टेबल चाहिए, ये बाकी हिस्से में टेबल नहीं चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल में किसी भी एक सेल पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे साइज टेबल में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ साइज टेबल, इस पर क्लिक करेंगे आप, और टेबल जहाँ से आपको चाहिए कॉलम से सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ऊपर से, कहाँ से, ये कॉलम से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जितना टेबल आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें और आप करेंगे ओके, वही हिस्सा रहेगा, बाकी इसमें टेबल आप देख सकते हैं टेबल आपका ख़त्म हो चुका है, जिस हिस्सा सेलेक्ट किया है उसमें टेबल है, बाकी में टेबल। मतलब आप चाहते हैं कि कुछ हिस्से में टेबल आपको चाहिए, बाकी हिस्से में टेबल आपको नहीं चाहिए, तो इसमें ये तरीका होता है। इसे अगेन पे देखना हो तो कंट्रोल जेड करेंगे, आपने जितना टेबल आपको चाहिए तो आप जाएंगे डिज़ाइन में, साइज टेबल पर क्लिक करेंगे, जहाँ से जहाँ तक चाहिए, मिसाल तौर पर आपको यहाँ से चाहिए तो आप कॉलम से सेलेक्ट करें, आप जितना आपको चाहिए उतना आप क्लिक करें और आप करेंगे ओके, वही सा रहेगा, बाकी हिस्सा ख़त्म हो चुकेगा। ठीक है जी, ये टेबल का कमांड, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि वीडियोस और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसमें ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह निगेबान। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, फॉर्मेट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्हें यूज़ किस तरह किया जाता है, डॉलर्स के साइन कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह निगेबान।